क्या हो अगर आपको पता लगे कि आपकी रगों में जहर घुल रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि आप खुद खा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है और आपकी थाली में जहर परोसा जा रहा है। इसी को लेकर आज हम खास पेशकश लेकर आए हैं जो खोल देगा जिम्मेदारों की आंखें और बताएगा कि किस तरह खुलेआम जहर को बेचा जा रहा है। तो शुरू करते हैं ऑपरेशन जहर, देश का सबसे बड़ा खुलासा। ऑपरेशन जहर, जी हाँ जहर, जो जाने अनजाने में आपके शरीर में घुल चुका है। चंद सिक्कों के लिए किस तरह कुछ लोग खुलेआम ये जहर बेच रहे हैं, इसी जानलेवा व्यापार की पोल खोलेगा ऑपरेशन जहर। आपको पता है आप क्या खा रहे हैं? आप अपनी थाली में जहर खा रहे हैं। जो धीरे धीरे आपकी नसों में समा रहा है। वो जहर जो धीरे धीरे आपको मार रहा है। वो जहर जिसे खुलेआम बेचा जा रहा है। अब आपको खाना खाते हुए भी लगेगा डर। क्योंकि फर्स्ट इंडिया करेगा खौफनाक खुलासा। खुलासे के बाद खुल जाएंगी आपकी आंखें। चंद लोग कर रहे हैं आपकी सांसों से खिलवाड़। चंद सिक्कों के लिए जिन्होंने बेच दिया ईमान। हर एक पहलू से आपको करवाएंगे रूबरू। बस देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज पर ऑपरेशन जहर। किसान यानी अन्नदाता जो अपनी बीज बोने से लेकर फसल पकने तक उम्मीदों के सहारे रहता है, लेकिन कुछ लोगों के लालच के चलते इन्हीं किसानों के हाथों जहर बोया जा रहा है। जहर किसी खेल का खुलासा करने के लिए हमने कोटा में खास ऑपरेशन किया है, जहां हमारी टीम नयापुरा पुलिस थाने की ठीक सामने खाद बीज की दुकान पर पहुंची तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। और क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। ऑपरेशन जहर, सही सुना आपने, कुछ लोग चंद सिक्कों के लिए आपकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट इंडिया ने ऐसे लोगों के खिलाफ शुरू किया है ऑपरेशन जहर। और इसकी शुरुआत हमने की है कोटा से। इस ऑपरेशन के तहत हमारी टीम ने खुलेआम दुकानों पर बिकते जहर को खरीदा।
राजस्थान का हाड़ौती अंचल नदी नालों और बांधों के बहुतायत वाला इलाका है और गंगानगर के बाद ये वो इलाका है जिसे धान और अनाज का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी को काला सोना कहा जाता है, लेकिन आज के दिनों में खाद बीज के दुकानदार बेहतर उपज के नाम पर यहाँ के किसानों को जहर बेचने का गैरकानूनी धंधा कर रहे हैं। असल में ये ऐसे कीटनाशक होते हैं जिन्हें की फ्यूमिगेशन के नाम पर या फिर फसल की बढ़ोतरी के नाम पर किसानों को बेचा जाता है और इनको बेचना, इनको खरीदना और इनको बनाना शुद्ध रूप से गैरकानूनी है। आज फर्स्ट इंडिया आपको दिखाने की कोशिश करता है कि कोटा में किस तरह से पग पग पर ये गोरख धंधा बहुत आसानी से किया जा रहा है और फलता फूलता जा रहा है। हम सबसे पहले आपको एक लोकेशन दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा, ये सामने एक खाद बीज की दुकान है और इस दुकान का नाम मॉडर्न के नाम से ये दुकान है जहाँ पर ये खाद बीज बेचा जाता है और इस दुकान पर बहुत आसानी से कहीं भी आप जाकर के और कीटनाशक खरीद सकते हैं। ये पूरी हकीकत सामने लाने के लिए, इस गोरख धंधे की पर्दाफाश के लिए कुछ किसान साथियों ने हमारी मदद की है, जिसमें बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री मुकुट नागर है और उन्नत किसान शशिकांत शर्मा है। कुछ देर बाद आपको उसी दुकान में ले जाने वाले हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। ये सारे किसान हैं जो कि आसपास के गाँवों से आते हैं और अपनी उन्नत खेती के नाम पर, बेहतर उपज के नाम पर ये जहर यहाँ से खरीद के ले जाते हैं। और ये जहर भले ही एक बार ये उनको खेती में फ़ायदा भी करता होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये खेती को बंजर बनाता है, खेत को बंजर बनाता है और ज़मीन में जहर भर देता है। तो आज हम लाइव आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से बड़ी आसानी से इन दुकानों में जा कर के और पूरा ये जो जहर का सामान है ये ख़रीदा जा सकता है। शशिकांत मेरे साथ हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही यहाँ से ये प्रतिबंधित जो दवा है वो ख़रीदी है, और मैं और शशिकांत दोनों बतौर किसान बनकर के इस दुकान पर जाएंगे जिसके सामने हमारे कैमरामैन रामेश्वर तैनात रहेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बड़े धड़ल्ले से, बड़ी आसानी से प्रतिबंधित दवा इन दुकानों पर बेची जाती है और खरीदी जाती है। तो लेके चलते हैं आपको नयापुरा पुलिस थाने के ठीक सामने स्थित खाद बीज की इस दुकान पर। चलिए, तो आपने पास और कैसी कैसी दवाई चाहिए साहब? नाइट्रोजन का दवाई तो मनमान जे टमाटर 1000 रुपए देखिए मांग आया, पर कोई काम न कर रही है। तो यह कितना काम करेगी ग्रोथ में? तो ग्रोथ के लिए जे तो यह सर्टिफाइड है ना पूरी, हूँ मतलब ग्रोथ के लिए पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो रहा है ना, दिक्कत थोड़ी चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरह बैन हो चुके पेंटाक्लोरो नाइट्रोबेंजेन नाम के इस पेस्टिसाइड को खुलेआम बेचा जा रहा है और खेतों को बंजर करने के साथ इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। आपने जिस तरह से आज देखा है ये हर दुकान पे बिक रहा है और यहाँ के जो कृषि अधिकारी हैं वो आंख बंद करके बैठे हैं और जो ज़मीन को ख़राब करने के बाद, जैसे पंजाब में ज़मीन ख़राब हुई है उसके बाद ये केंद्र सरकार ने ये चीज़ें बैन कर रखी है, जो चीज़ें जो दवाइयाँ बैन कर रखी है वो यहाँ कोटा में आसानी से बिक रही है और महंगी कीमत पर किसानों को बेची जा रही है। ऐसी कितनी दुकानें होगी जहाँ पर ये गैरकानूनी चीज़ें बेची जाती है, बड़ी आसानी से मिल जाती है? कई दुकानें हैं, जैसे बाजार जहाँ भी दवाइयों के बाजार हैं, जैसे नयापुरा हैं, नयापुरा के अलावा धान मंडी हैं, बामासा मंडी हैं, इनमें कई दुकानों पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, आप जाइए। शशिकांत है जो उन्नत किसान है, आपने शशिकांत कुछ दिनों पहले ही ये प्रतिबंधित दवाएं खरीदी है? नाइट्रोबेंजन नाम है, तो ये क्या किसी ने बताया था मेरे को कि जैसे जब धान उगता है तो उसमें जब बाली आने लगती है तो इस दवाई छिड़कने से उसका फलाव और ज़्यादा बढ़ता है। और आपने जब बाद में पता किया तो आपको कैसे पता लगा कि ये दवा प्रतिबंधित है? ये मेरे को, ये हमारे एक मिलने वाले हैं, वो आए थे हमारे खेत पे वो ऐसे घूमने के लिए, तो उन्होंने वो थैली पड़ी थी खाली हुई, तो उन्होंने वो थैली को उठा के उसने बोला कि ये दवा किसने फेंकी? मैंने बोला कि भाई मैंने फेंकी है। कि कितनी फेंकी? कि मैंने कि 10 किलो फेंकी है। कि ये तो प्रतिबंधित है और ये इससे तो ज़मीन बंजर हो जाती है। किसी को कोई डर नहीं है, बस पैसा मिलना चाहिए, चाहे किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ ही क्यों ना करना पड़े। इन लोगों को पुलिस का कोई डर नहीं है, क्योंकि जिस दुकान से हमारी टीम ने ये जहर खरीदा वो ठीक नयापुरा थाने के सामने है। यानी ये सारा गोरख धंधा कोटा में पुलिस थाने के सामने ही चल रहा है। इतना ही नहीं, इस दुकानदार ने हमें बिल भी देने में कोई आनाकानी नहीं की। वहीं कुछ विशेषज्ञों ने ये भी बताया कि इसके पैकिंग रैपर पर लिखे उत्पाद निर्माण फैक्ट्रियों के पते के साथ ही ब्रांड नेम भी फर्जी हो सकते हैं। लेकिन आप देखिए, हमने एक नहीं बल्कि 5 किलो विनफ्लावर दवा, जिसमें मोटे तौर पर जो प्रतिबंधित पदार्थ
मिलाया जाता है उसका नाम है नेट्रोबेंजन। नेट्रोबेंजन इसमें मिला हुआ है 15% तक। और ये विनफ्लावर दवा हमने आप देखेंगे कि 5 किलो दवा खरीदी है। और आप हिम्मत देखिए दुकानदारों की, हमको बाकायदा इस दवा का बिल भी दिया गया है। आप देखिए बिल खुद मेरे नाम से है, मेरे ही नाम से, मैंने भंवरेश चरण के नाम से बिल बनाया है। और मेसर्स जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर सर्विस पेट्रोल पंप पुलिस थाने के सामने, बिल में साफ तौर पर दुकानदार लिख रहा है कि मेरी दुकान पुलिस थाने के सामने नयापुरा में है। लेकिन पुलिस थाने के सामने आप देखिए ये गोरख धंधा चल रहा है और ये जो प्रतिबंधित दवा है वो पुलिस थाने के सामने ही बेची जा रही है। ये जो बिल है मोटे तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बिल भी नकली है, क्योंकि इस पूरे बिल पर आप देखेंगे कि किसी तरह की कोई मुहर नहीं है। कुछ किसान साथियों की हमने इस सिस्टिंग में मदद ली है, जिनमें किसान मोर्चे के पदाधिकारी हैं, भाजपा किसान मोर्चे के, और साथ में गुणत किसान है शशिकांत नागर साहब। अगर बिल की बात करें, आपने पहले भी आप कह रहे हैं कि आपने ये दवा प्रतिबंधित दवा खरीदी है, ये बिल का गड़बड़ झाला क्या होता है इसमें? ये बिल जैसे क्या होता है कि बिल कृषि विभाग इनको मोर लगा के बिल देता है। जितनी भी डायरियाँ हैं वो वहाँ पर नोट होती है और वहाँ से मोर लगती है कि कितनी डायरियाँ, कितने बिल आप काटोगे। उसमें भी ये मेरे को ये जहाँ तक लग रहा है कि ये बिल नकली है और ये बिना मोर के बिल, बिना मोर लगाए बिल है, मोर नहीं है इसके अंदर, मोर नहीं है। और ये इन्होंने डबल वो जो ये प्रतिबंधित दवाई, ये जो नकली दवाई, ये प्रतिबंधित दवाई जो बेचने के लिए, तो इन्होंने डबल बिल बुक छपा रखी है जिसको ये अवैध रूप से काटते हैं। और शशिकांत जी, ये बिल भी मैनुअल बिल है, मतलब कंप्यूटराइज्ड बिल नहीं है, हाथ से बनाया हुआ बिल है? नहीं, पहले मुझे कंप्यूटर वाला बिल दिया था पिछली बार जब मैं 10 किलो लेने गया था, जब मेरे को कंप्यूटराइज दिया था। लेकिन इस बार ये उन्होंने हाथ वाला दे दिया। अभी इसका पता नहीं है कि वो उनके क्या गड़बड़े क्या नहीं है। तो कोटा में जो प्रतिबंधित दवाएं, और आमतौर पर ये भी कुछ किसानों ने हमें बताया कि ये दवाएं नकली भी होती है, प्रतिबंधित होती है, तो जाहिर तौर पर इनका प्रोडक्शन ही अवैध है, इनका बेचना भी अवैध है। तो ये जो पूरा का पूरा गड़बड़ जाला है, ये बिलों में फर्जीवाड़े के साथ भी चलाया जा रहा है। किसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा? किसान जिसके पास पहले से जानकारी का अभाव होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता के नाम पर और नहीं ठगा जाए इस एहतियात के नाम पर बिल मांग सकता है। लेकिन आप देखिए बाकायदा प्रतिबंधित दवा का दुकानदार ने बिल तक काट कर दिया। और मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ कि बिल का एड्रेस साफ तौर पर लिख रहा है पुलिस थाने के सामने नयापुरा, मेसर्स मॉडर्न एग्रीकल्चर सर्विस। और आप देखिए कतार से 1, 2, 3, 4 और 5 किलो प्रतिबंधित दवा है वो हमको दी गई है। और नेट्रोबेंजन नाम का प्रतिबंधित जो केमिकल है वो इनके अंदर साफ तौर पर मिलाया हुआ है। तो कोटा में हम कह सकते हैं जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनके लिए हमारा ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है एक तरह से अलार्मिंग इवेंट है। तो देखा आपने कि किस तरह बेखौफ होकर जहर बेचा जा रहा है। आप फर्स्ट इंडिया के साथ बने रहिए, आगे भी हम आपको बताएंगे कि पेंटाक्लोरो नाइट्रोबेंजेन के अलावा कौन कौन सी दवाएं बैन है और उन्हें खुलेआम बेचा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे ये दवा जानलेवा तक बन सकती है। तो ब्रेक से पहले आप देख रहे थे कि किस तरह बैन हो चुके पेस्टिसाइड खुलेआम बेचे जा रहे हैं और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ऑपरेशन जहर के अगले पार्ट में अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह यह जहर खेत से लेकर जिंदगी तक के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ऑपरेशन जहर में अब तक हमने आपको बताया कि किस तरह खुलेआम बाजार में पेस्टिसाइड के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे पेस्टिसाइड खेत और आपके पेट के लिए नुकसानदायक है। हमने पहले नेट पर पड़ताल करने के साथ ही कृषि विभाग की वेबसाइट्स भी खंगाली जहां ये केमिकल बैन दिखाया गया है। इसके बाद हमने हड़ौती के मशहूर कृषि विशेषज्ञ और संयुक्त निदेशक हॉर्टिकल्चर पी के गुप्ता से पूरी जानकारी जुटाई। हमने कुछ किसान साथियों के साथ विनफ्लावर एन नाम की ये दवा खरीदी है। ये प्लांट एनर्जायर फ्लावरिंग सिमुलेंट एंड यील्ड बूस्टर है और नेट्रोबेंजेन 15% WW इसका नाम है। हमारे साथ वरिष्ठ कृषि अधिकारी मौजूद हैं पीके गुप्ता साहब। गुप्ता साहब, ये बहुत आसानी से खाद बीज की दुकानों पर मिल रही है, क्या इसका उपयोग है और क्या ये प्रतिबंधित है? देखिए, ये जो आपके हाथ में पदार्थ रखा हुआ है, ये जो मेरी जानकारी है और जो मेरे पास सूचना है उसके हिसाब से ये प्रतिबंधित केमिकल्स की श्रेणी में आता है। तो निश्चित तौर पे जब प्रयोगशाला और वैज्ञानिकों ने, कमेटी ने ये किसी स्वास्थ्य के लिए और फसल के लिए हानिकारक होगा तभी इसको प्रतिबंधित किया है। तो ये सूचना उपलब्ध है और इसको खुले में नहीं बेचना चाहिए।
अब ये तो क्यों बेच रहे हैं ये तो अलग विषय है। सर ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि कितना खतरनाक खेती को, जमीन को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, स्वास्थ्य के लिए भी आपने बताया हानिकारक है? जमीन के लिए भी है और मानव स्वास्थ्य के लिए भी है, दोनों के लिए ही है। जहाँ तक मेरी जानकारी है ये कार्सिनोजेनिक है, शायद कैंसर कारक पदार्थों में आता है जो पुरानी रिसर्च है उस हिसाब से, तो शायद इसीलिए इसको बैन किया। इंटरनेट पर सर हमारी पड़ताल में ये था कि ये खेत को और खेती को बंजर बनाता है। हाँ, इसके अंदर जो इसके जो रिएक्शंस होते हैं जी। वो काफ़ी हीट पैदा करते हैं और रूट्स जो उनको थोड़ा हानिकारक कर हानि पहुँचाते हैं जी। तो इस वजह से इसको कम यूज करना चाहिए या यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये प्रतिबंधित केमिकल्स की श्रेणी में है। इकोलॉजी के लिहाज से भी खतरनाक है सर, जैव विविधता को भी नुकसान जाहिर तौर पर पहुंचाता होगा? अभी जो नई रिसर्च चल रही है उसमें कई सारे केमिकल्स पर रिसर्च चल रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको बंद करने का विचार कर रही है, उन्हीं में से ये भी एक है। और अभी और भी नई श्रेणी आ रही है जिसमें कई सारे जो स्वास्थ्य के लिए और फसलों भूमि के लिए हानिकारक थे। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल सर, ये कोटा में इसका प्रोडक्शन होता होगा या बाहर जाता होगा सर? इसका प्रोडक्शन की फैक्ट्री मुझे